नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन नेशनल इंटरनेशनल डे में आज हम बात करेंगे नेशनल वुमेंस डे की, यानी राष्ट्रीय महिला दिवस की। हम आपको बताएंगे ये कब मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, भारत में हर साल 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। सरोजनी नायडू एक स्वतंत्रता आंदोलन की एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक कवियत्री भी थी। उन्हें भारत की कोकिला या नाइट एंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वह देश की पहली महिला राज्यपाल भी रही। ये क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में आता रहता है कि हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, कौन थी। इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। आगे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका और दूसरे कार्यों के लिए सम्मानित करने के लिए उनकी जयंती को देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आपको बता दें, 1925 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नायडू करीब 21 महीने तक जेल में रही। अब क्वेश्चन कैसे आता है, भारत की पहली महिला जिसे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, सरोजनी नायडू, पहली महिला जिसे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, एनी बेसेंट। कन्फ्यूज मत होना, पहली महिला एनी बेसेंट जो कि 1917 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, लेकिन पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, क्योंकि एनी बेसेंट आयरलैंड से थी। आगे, सरोजनी नायडू एक प्रसिद्ध कवि भी थी और उन्होंने रोमांस, देशभक्ति और त्रासदी जैसे कई विषयों पर कविताएं लिखी। उनकी कविताओं की आज़ादी के कई नायकों की प्रशंसा भी की। नायडू की कविताओं को देश में काफ़ी पढ़ा जाता है। हम आपको बता दें, गोल्डन थ्रेशहोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था जो कि 1905 में आया था। इसके अलावा द बर्ड ऑफ टाइम्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, द ब्रोकन विंग, द स्पेडेड फ्लूट, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, इलाहाबाद किताबिस्तान, द इंडियन व्यूअर्स आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थी, लेकिन ये गोल्डन थ्रेशहोल्ड अक्सर एग्जाम में आता है। आगे, 13 फरवरी 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। हमारे इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे कोई नए नेशनल इंटरनेशनल डे के साथ। थैंक यू। आशीष, किसके पटाखे छुड़ा रहा तू?